किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले हाड़ौती में भी कांग्रेस बड़ी ट्रैक्टर रैली आयोजित करने जा रही है। 6 फरवरी को कोटा में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इसमें कोटा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान शरीक होंगे। यूडीएच मंत्री चंदा अग्रवाल के आह्वान पर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस शहर व देहात के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां। रैली में पूर्व मंत्री विधायक भरत सिंह भी शरीक होंगे। रैली में सैकड़ों की तादाद में किसानों का ट्रैक्टर के साथ पहुंचने की संभावना है। ऐसे में जिला प्रशासन भी रैली के मद्देनजर रूट को लेकर लगातार कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रही है। ट्रैक्टर रैली के बाद नयापुरा स्टेडियम में सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि कोटा में आयोजित होने वाली ट्रैक्टर रैली ऐतिहासिक होगी। के समर्थन में किसानों को जो आंदोलन चल रहा है 70 दिन हो गए और बेचारे किसान वहाँ डटे हुए हैं। 70 से ज्यादा किसान मर भी चुके हैं। तो केंद्र सरकार झुकने को तैयार नहीं है। मोदी जी और शाह तानाशाह प्रवृत्ति अपना रहे हैं, किसानों पर जबरदस्ती काला कानून थोप रहे हैं। उसी के किसानों के समर्थन में उस काले कानून के विरोध में यहाँ पे कांग्रेस ने पहले से समर्थन दे रखा है। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी समर्थन दे रखा है और हमारे हाड़ौती के जो लाडले नेता हैं माननीय शांति धारीवाल जी, उनके आह्वान पर माननीय भरत सिंह जी भी हमारे उसमें साथ हैं। सब नेताओं के सहयोग से हमारे सारे नेता यहाँ मौजूद हैं जी। हम लोगों ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली। किसान रैली जो 6 तारीख को कोटा के अंदर होने वाली है, उसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। 6 तारीख को जो रैली है वो एक विशाल रैली आयोजन करने का हमारे धारीवाल साहब ने बेड़ा उठाया है और निश्चित तौर पे हजारों किसान कोटा के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ से सब आएंगे और भारी उत्साह है किसानों के अंदर आने के लिए रैली में, और किसान अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। 70 दिनों से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है।